हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। द विलिंग ये एक साउथ कोरियन मूवी है जो आपको फ्री में हिंदी में देखने को मिलती है। कहाँ वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो लोगों को शाउट आउट देना चाहूँगा जिन्होंने सही गेस किया कि मैं आज किस पर्टिकुलर मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले है मन दीपक सिंह, जिन्होंने बहुत बार ट्राई की लेकिन फाइनली एक बार उन्होंने सही बताया कि कौन सी मूवी होने वाली है। और दूसरे है अमन। तो यार इन दोनों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ और उन सभी लोगों को जिन्होंने वहाँ पर ट्राई किया एटलीस्ट, क्योंकि आप लोग कोशिश करते हो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। खैर अब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ 2 आवर 36 मिनट की है और कहानी शुरू होती है गॉकशोंग। ये एक छोटा सा विलेज है साउथ कोरिया में। अब इस विलेज के लोगों के अंदर कुछ मिस्टीरियस इलनेस होने लगती है और इसी वजह से ये लोग डीरेंज यानी कि ऐसा बिहेव करते जो कि नॉर्मल नहीं होता है। खैर अब जिस बंदे के अंदर ये इलनेस होती है वो आगे चल के अपनी ही फैमिली को ख़त्म कर देता है यानी कि मार देता है। अब ऐसा इस गांव के हर तीसरे घर में हो रहा था। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर जोंग गू की बेटी के साथ भी यही सारी चीज़ें होने लगती है। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो हॉरर होने के बावजूद भी जो उसकी थीम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और ये एक वजह थी कि ये मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। और जो एक एटमोसफियर यहाँ पर इस मूवी में क्रिएट किया है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको मजबूर करेगा ये मूवी पूरी देखने में। कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं इस मूवी में जहाँ पर लिटरली आपको गूज़बम्प्स आएंगे और आप लोग स्क्रीन पर देखना भी पसंद नहीं करोगे, यकीन मानो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूवी पूरी तरह से परफेक्ट है। मैं पहली बार किसी मूवी को रिकमेंड करने जा रहा हूँ लेकिन साथ साथ मैं उस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको आगे चल के। खैर उसके अलावा इस मूवी में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को तो नहीं मिले लेकिन जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन स्पेशली जेंग वू जो कि हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है यानी कि वो पुलिस ऑफिसर, वो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी डरपोक नज़र आएगा, मतलब एकदम फट्टू पुलिस वाला नज़र आएगा जो लिटरली हर छोटी छोटी बातों पे डरता है और वो अपने सपने देखकर भी डर के उड़ जाता है। आप सोचो वो किस लेवल का बंदा होगा। लेकिन जब इस पुलिस वाले की बेटी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है जो कि नॉर्मल नहीं होती है तो उसके अंदर जो एक बदलाव हमें देखने को मिलता है ना वो इस कैरेक्टर को सबसे बेस्ट बनाता है इस पूरी मूवी में। उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। कोरियन मूवीज़ मोस्टली अगर आप लोग देखते हो तो उनकी सिनेमेटोग्राफी और उनके बीजीएम हमेशा अलग लेवल के होते हैं। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया। मूवी का डायरेक्शन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। लेकिन अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले इसकी लेंथ है। 2.5 घंटे की मूवी ये डिज़र्व नहीं करती। अगर ये मूवी 2 घंटे 15 मिनट या 10 मिनट की होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। उसके अलावा एक पर्टिकुलर सीन है जो मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मन में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब दो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने जाते तो उनको 90% पता चल जाता है उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को कि जो मेन इन सारी चीज़ों के पीछे है वो यही बंदा है। तो वहाँ पर वो पुलिस वाला साथी पुलिस वाले को क्यों नहीं बताता है? और फिर जब वो आगे चल के रास्ते में जब वो लोग रिटर्न आ रहे होते तब वो उसको बताता कि यार जो ये सारी चीज़ों के पीछे है वो यही बंदा है, तो दूसरा पुलिस वाला उसके साथ मिलके उसी वक्त वापस क्यों नहीं जाता वहाँ पर? अगर वो वहाँ पर चले जाता तो शायद ये केस वहीं पर सॉल्व हो सकता था, या तो फिर एटलीस्ट जो उसके बाद चीज़ें हुई वो नहीं होती थी। लेकिन फिल्म है, अगर वो वहाँ पर हो जाता तो फिर आगे वाली चीज़ कैसे होती थी? लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो वो एक जगह मुझे काफ़ी बड़ा फ्लॉ लगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर होके ऐसी हरकतें कौन करता है यार? मैटर इतना बड़ा है, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कटक रही थी। उसके अलावा थोड़ी बहुत छोटी मोटी फॉल्ट है इस मूवी में जो एज एन मूवी आप लोग इग्नोर कर सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि यस ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि काफ़ी ऐसे डिस्टर्बिंग वाले सीन्स हैं जो लिटरली छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एंडिंग आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़ कर सकती है, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो एकदम क्लियर कट। और यस ये मूवी का पार्ट 2 हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये मूवी आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और हिंदी डबिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से की है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दन बाय।